हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन डेस्क से पाथ ऑफ सक्सेस। दोस्तों, हम बात करने वाले राजस्थान सरकार द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है जो कि पशुपालन विभाग से है। तो देखते हैं इसमें किस तरह की और कितनी पोस्ट है और आवेदन की अंतिम तिथि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो सब चाहिए। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, आज ही की डेट में 14 तारीख को ये निकली थी, 14 तारीख लेकिन पब्लिश आज हुई है। ये देखिए इसमें किस किस तरीके की वैकेंसीज हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, राजस्थान पशुपालन सेवा अधिनियम द्वारा 1963 के 26 प्रावधान अनुसार इनके कहाँ कहाँ निकले, पशुपालन विभाग जिला जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर, पाली, नागौर, कुचामन सिटी, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उदयपुर में आवश्यक अस्थायी आधार यानी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है आपको पता है, क्योंकि जो गायों में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए ये किया गया है। तो इनमें जो अधिकारी लगेंगे उनकी जो प्रति माह है 39,300 रुपये देना नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी टेम्परेरी बेसिस पे एक वैकेंसी है, हो सकता है ये परमानेंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो स्किन डिजीज है उसको लेकर, ये लंपी स्किन वाली, उसको लेकर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन पत्र का प्रारूप जिला में नियुक्ति हेतु कुल आरक्षित पदों की संख्या आवश्यक शर्तें प्रारूप में दी गई है। आप लोग पशु चिकित्सा अधिकारी हेतु 24 अगस्त 2022 को नाम अक्षर A to M यानी A से लेकर M तक 24 अगस्त 2022 को और 25 अगस्त को कौन कौन NCZ तक प्रारंभ होने वाले अभ्यर्थी 10 बजे से प्राय 4 बजे तक यानी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने आवेदन पत्र मूल दस्तावेज सहित निर्देशालय पशुपालन विभाग परिसर टोंक रोड जयपुर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, और अधिक जानकारी चाहिए तो ये नोट आपको दोनों नंबर दे रखे हैं, इन पे कॉन्टैक्ट करना है सर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो सब लाने हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, ये आवेदन पत्र है। ठीक है, इसमें आपका नाम डालना है, आप कौन सी कैटेगरी से, हिंदी में इंग्लिश में दोनों नाम, पिता पति का नाम। ठीक है, ये सब, 12th में क्या परसेंटेज थी, BBSC और AH में क्या परसेंटेज थी। ठीक है, ये दोनों, तो इसका मतलब आपके पास ये BBSC और AH होना जरूरी है। ठीक है, रास्ता पशु चिकित्सा में अस्थायी पंजीकरण संख्या दिनांक, ठीक है, ये आपका जो होती है वो सब है, तो ये भी आपको पूरा फिल करना है। यहाँ से इसकी PDF निकाल लेना, फिर देगी अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पे इसको निकाला गया है। इसका आवेदन 1/6/2022 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति प्रदाता नहीं दी जाए, यानी दो को आपको पता है वो सब है। ठीक है, आपके पास कौन से विश्वविद्यालय से BBSC एंड AH स्नातक होना आवश्यक है, ये मैंने कहा था वो सही। ठीक है, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है 12th का भी मेरिट हो तो मेरिट सर्टिफिकेट वो सब आपको लगाना है। अब मेन इंपॉर्टेंट, मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त फोटो आपको कॉपी जमा करवानी है, आपको साथ ले जाना। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए, इसमें पूरी डिटेल है। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने बता दी, और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए या फिर अपने सिलेक्शन डेस्क के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।